खबर बलिया जनपद के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा नजदीक रेलवे स्टेशन मां सिद्धेश्वरी दुर्गा मंदिर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 22 मार्च दिन बुधवार से विविध कार्यक्रमों के साथ आयोजन का शुभारंभ किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए मंदिर के सशक्त पुजारी श्री कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही मां का आवाहन किया जाएगा। द्वितीय दिन से लगातार छठे दिन तक भक्तों द्वारा पूजन अर्चन के साथ ही मां की भव्य आरती भी उतारी जाएगी और इस तमाम तरह की माता को भोग लगाए जाएंगे। इस तमाम तरह की बातें इस तरह की उनके द्वारा कही गई। आप एक अपना परिचय बताएं। मैं माँ सिद्धेश्वरी मंदिर चितबड़ा गांव रेलवे स्टेशन का पुजारी हूं और यह विगत 22 वर्षों से मैं यहां का पुजारी हूं और यह मंदिर जो है लगभग 250 साल या 300 साल से ही पुराना है, जिसमें माँ की असीम कृपा से यहाँ के भक्तों का हर समय प्रति वर्ष भिन्न भक्ति और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कौन सा कार्यक्रम शुरू होने वाला है और कब से शुरू होगा? कौन कौन से दिवस में कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे? ये कल 22 से नवरात्र का चैत नवरात्र का आरंभ हो रहा है, जिसमें प्रथम दिन माँ का पूजन अर्चन और कलश स्थापना होगी और शेष द्वितीय से षष्ठी तक लगातार भक्तों और मंदिर के प्रशासन द्वारा पूजन अर्चन और आरती की भव्य आरती की आयोजन होता है। हर साल की तरह इस साल भी होगा और सप्तमी के दिन भव्य आयोजन सप्त 56 भोग का होता है, जिसमें पूरे गांव के नगरवासी और भक्त शामिल होते हैं और इसका आयोजन किया जाता है। अष्टमी के दिन माँ कालरात्रि का विधिवत पूजन किया जाता है और नवमी के दिन हवन पूजन आरती के बाद माँ का श्रृंगार और आरती की जाती है। तो क्या पुजारी जी, यहाँ पर कस्बा सहित ग्रामीण इलाकों के साथ साथ अंतर जनपदीय लोग भी आते हैं महिमा है माँ का? माँ की असीम महिमा है और यहाँ से कोई भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर ही जाता है। उसकी जो भी मनोकामना होती है सदैव पूरा हुआ है, यहाँ तक कि मरते हुए व्यक्ति की भी माँ ने असीम कृपा करके जीवित किया है। तो क्या दोनों नवरात्रि में बराबर पूजा पाठ चलता है? दोनों नवरात्र में बराबर एकदम विधिवत पूजा चलती है और वैसे तो सारे वर्ष के महीनों में भी पूजा होती है वैसे ही, लेकिन विशेष तौर से दोनों नवरात्र की विधिवत पूजा भक्तों के द्वारा, गाँव वासियों के द्वारा और नगर के और आसपास के जितने भी ग्रामीण इलाका है सभी लोग यहाँ आकर अपनी मनोकामना से श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो क्या यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इस सहयोग में रहती है? पूरी प्रशासन सहयोग में रहती है और 9 दिन थाना से लेकर और उसने जितने भी यहाँ के कर्मचारी हैं और जितने भी गांव के सम्मान व्यक्ति हैं सब लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की सेवा करते हैं और अपनी निष्ठा के अनुसार इसमें सब लगे रहते हैं। तो क्या महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था रहती है? जी, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था रहती है। जी, एक आप अपना परिचय बताएं। जी, सबसे पहले तो आप हमारे नगर के ही नहीं पूरे जिले के परम आदरणीय संजय राय जी पत्रकार, आपके चरण को सब वंदन नमन। और मैं भोजपुरी लोकगीत गायक हरि सिंघल जल। ये अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं? अभी माँ सिद्धेश्वरी दरबार में अपने ही गांव में मौजूद हैं। क्या कार्यक्रम है, कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे कल से? कल से माँ सिद्धेश्वरी के दरबार में पूजन अर्चन और सभी नगर के श्रद्धालु भक्तों द्वारा बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। तो क्या इस नवरात्रि में कस्बा सहित ग्रामीण इलाकों के साथ साथ जी अन्य जगहों से लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं, करमदीनपुर से लगाए पूरे क्षेत्र के अन्य जनपद से भी लोग आते हैं। माँ का महिमा क्या है? माँ का महिमा तो बहुत अपरंपार है, एक लाइन सुना दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। माई की महिमा के हुका बखानी, माई के महिमा के हुका बखाने, महिमा इनकर अपरंपार होवे हो, रोवत ललनवन के
हर गरबा लगा के रोवत ललनवन के गरबा लगा के सुतल संगिया जगा देली हो रोवत ललनवा के गरबा लगा के सुतल संगिया जगा देली हो। बहुत बहुत धन्यवाद।